हेलो दोस्तों, कैसे हो? शायद अच्छी होंगी। आप लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचते हो, जैसे मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, एक टीवी खरीदना है, एक फ्रिज खरीदना है, एक टी शर्ट खरीदना है, एक गर्लफ्रेंड खरीदना है। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। सबसे पहले आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ये जो प्रोडक्ट मैं खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन साइट से खरीदूँ ना ऑफलाइन? ऑफलाइन खरीदने से मुझे अच्छा फायदा मिल जाएगा ना ऑनलाइन साइट से खरीदने से अच्छा फायदा मिल जाएगा? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना अच्छा होता है ना ऑफलाइन। अगर आपके दिमाग में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे सवाल है, आज इस वीडियो में वो पूरा तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरा एक पड़ोसी है, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन साइट से खरीदता हूँ, वो मुझे कहता है ये प्रोडक्ट तू क्यों ऑनलाइन साइट से खरीदा, कोई ऑफलाइन दुकान पे जाके खरीद ले। ऑनलाइन साइट पे प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, वही प्रोडक्ट तू ऑफलाइन साइट से खरीदेगा तो अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। बहुत सारे लोगों को लगता है ऑनलाइन साइट पे जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो प्रोडक्ट का मटेरियल अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, वही प्रोडक्ट जब भी ऑफलाइन साइट पे बेचा जाता है वो प्रोडक्ट बनाने में अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता है। अगर आप लोगों के दिमाग में इस तरह का कोई भी सवाल है, ऑफलाइन प्रोडक्ट और ऑनलाइन प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है अगर सेम कंपनी का है, सेम मॉडल नंबर का है तो। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट कम दाम में मिलता है ना ऑफलाइन प्रोडक्ट कम दाम में मिलता है, किधर सबसे सस्ता में प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं एक लाख का मोबाइल फोन खरीदने जा रहा हूँ जो है आईफोन, तो मैं ऑनलाइन साइट पे आईफोन खरीदने गया, मेरे पास है 1 लाख, मैं देखूंगा 1 लाख में कौन सा मोबाइल फोन आ रहा है। वही प्रोडक्ट मैं जब ऑफलाइन साइट पे खरीदूंगा, सेम मॉडल का सेम कंपनी का सेम सब कुछ है, उधर भी 1 लाख के आसपास मिल जा रहा है। अगर ऑनलाइन पे 1 लाख में मिल रहा है और ऑफलाइन पे 1 लाख में मिल रहा है तो कोई भी इंसान ऑफलाइन साइट से खरीद लेगा, क्योंकि दोनों ही सेम है, ऑफलाइन साइट पे बहुत जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफलाइन साइट पे एक जो फायदा नहीं मिलता है वो है कार्ड का डिस्काउंट। यस, आपने सही सुना, आपने देखा ही होगा ऑनलाइन साइट पे बहुत सारे कार्ड का डिस्काउंट रहता है। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख का मोबाइल फोन खरीद रहे हो, उधर 10% SBI बैंक का कार्ड का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वही मोबाइल फोन आपको 90,000 में मिल जाएगा। लेकिन ऑफलाइन साइट पे कार्ड डिस्काउंट मिलता ही नहीं है, अगर कुछ कुछ जगह पे मिल भी जाता है तो वो लोग बहुत ही ड्रामा करता है, ये लेके आओ वो लेके आओ। तो इसलिए अगर कोई भी प्रोडक्ट सेम मॉडल का है सेम ब्रांड का है, ऑफलाइन साइट पे सेम दाम पे मिल रहा है और ऑनलाइन साइट पे सेम दाम पे मिल रहा है, मेरे हिसाब से ऑनलाइन में खरीदोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको कम दाम में वही प्रोडक्ट मिल जाएगा जो ऑफलाइन में ज़्यादा दाम में मिल रहा है। ये तो मैंने बात कर लिया ऑनलाइन प्रोडक्ट का फायदा के बारे में, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऑफलाइन प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको एक पेंसिल खरीदना है, एक पेंसिल कितने का आता है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, वही पेंसिल अगर आप ऑनलाइन में खरीदने जाओगे वो 50 के आसपास मिल जाएगा, 20 के आसपास मिल जाएगा। मतलब अगर कोई भी सस्ता का प्रोडक्ट है 10, 20, 100 का, वो प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन में खरीदोगे तो वो प्रोडक्ट महंगा में मिलेगा, लेकिन सेम वही प्रोडक्ट आप ऑफलाइन किसी दुकान में खरीदोगे तो वो बहुत ही सस्ता में मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन साइट पे देखते हैं उधर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लगता है, लेकिन जब भी वो प्रोडक्ट घर पे आ जाता है, ये क्या मिल रहा है भाई, ये अच्छे क्वालिटी का नहीं है, जो ऑनलाइन साइट पे देख रहा था उससे तो बहुत ही बेकार है प्रोडक्ट। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट आपका मैचिंग नहीं हो रहा है, आप ये प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो, वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए, आप पैसा ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वजह से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं कि उनको लगता है ऑनलाइन प्रोडक्ट जो होता है उसमें अलग दिखाया जाता है और जो घर पर आ जाता है वो अलग होता है, लेकिन आपका साथ ऐसा होता है तो रिटर्न कर दीजिए प्रोडक्ट। ऑनलाइन साइट का एक बहुत ही बड़ा फायदा है, वो है फिक्स्ड रेट। जैसे मान लीजिए मैं एक टी शर्ट खरीदने गया किसी दुकान में, मैंने दुकानदार को बता दे ये टी शर्ट मुझे दे दे रहे भाई, दुकानदार मुझे दे दिया, दाम कितना है रे 200, दे दिया पैसा, टी शर्ट दे, खरीद के घर आ गया। घर आके पता चला मेरा जो पड़ोसी है वो सेम टी शर्ट 100 में खा, ऐसा आप लोगों का साथ भी हुआ। तो अगर मैं ऑनलाइन साइट पे जाऊंगा, ये टी शर्ट मुझे जिस भी दाम पे मिलेगा वही टी शर्ट मेरा जो पड़ोसी है उसको भी सेम दाम पे मिलेगा, एक मुकेश अंबानी भी खरीदने जाएगा उनको भी वही दाम पे मिलेगा, एक रतन टाटा भी जाएगा उनको भी सेम दाम पे मिलेगा, तो कोई भी दाम का डिफरेंस नहीं होगा, चाहे आपका चाचा हो भतीजा हो कोई भी हो, प्रोडक्ट अगर सेम ब्रांड का है सेम मॉडल का है सबको सेम दाम पे मिलेगा, बराबर मिलेगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया ऑफलाइन प्रोडक्ट और ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में। मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना अच्छा होगा क्योंकि इधर अच्छे दाम पे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाता है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ,
और दोबारा एडिट भी करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं इस वीडियो को शूट करके एडिट करके अपलोड करने जब गया उधर मुझे पता चला मेरा वीडियो डिलीट हो गया। मतलब एडिट कर लिया, रिकॉर्ड करके सब कुछ कर लिया कंप्लीट, जब अपलोड करने गया वीडियो है ही नहीं, अचानक कैसे डिलीट हो गया मुझे पता नहीं। ये पोको का डिवाइस है, कब क्या हो जाता है मुझे खुद को ही नहीं पता होता है। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। वीडियो एडिट किया, शूट किया, सब कुछ किया, कंप्लीट हो गया, डिलीट, क्या बात हो आप लोगों को। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। आज इतना ही है, जय हिंद, वंदे मातरम।